गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो आज हमारा जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल और लूप करंट कैरी। धारावाहिक व्यक्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। धारावाहिक व्यक्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं व्यक्ति कुंडली क्या होती है। एक सर्कुलर लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बन गया सर्कुलर कॉइल। क्या बन गया? सर्कुलर कॉइल। इसकी रेडियस आप कुछ भी मान सकते हो। रेडियस सर्कल जो हमने कितना मान लिया है, आर ले लो, ठीक है। सपोज ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, ओके, देन करंट थ्रू द कॉइल बी, ओके। अब यदि हम मान लो कोई सर्कुलर कॉइल लेते हैं, सर्कुलर कॉइल, तो हम ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एक एक्सेस मान लेते हैं। सपोज एक्सेस ऑफ सर्कुलर कॉइल, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। टेक अ पॉइंट पी ऑन द एक्सेस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ओके, एक पॉइंट पी है जहां हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डिटरमिनेशन करना है। कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर थ्रू विच करंट आई। ओके, लेट एस कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट लूप। लिखते जाइए। एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर लिया है, जिसमें करंट का डायरेक्शन कैसे है। देखिए ये कुंडली, ये जो कुंडली होती है, जब इसमें मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ये पोर्शन इसका शेड हो जाएगा। तो कभी ये अंदर होती है, कभी ये बाहर की ओर होती है ना। तो मैं कुंडली को कभी इधर निकालूंगा, उस समय का एक बार प्रैक्टिकल का अलग से वीडियो आपको बता दूंगा कि जब जो वृत्ताकार कुंडली होती है ना, उसमें करंट का डायरेक्शन कभी बाहर होता है, कभी अंदर होता है, कभी अंदर होता है, कभी बाहर होता है। तो डायरेक्शन आपका दोनों क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कभी ये बाहर रहती है, कभी ये अंदर होता है। मैंने इसको यहाँ से भी कर दिया। अब देखिए ये ऊपर की ओर है, ये अंदर की ओर है, ये भाग छुपा हुआ है इसका। तो इस प्रकार क्या होता है, सर्कुलर कॉइल और उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको आप कागज पेंसिल लेके लिखते चलिए। ओके, लेट अस कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द करंट लूप। द पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप अलोंग एज द परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द लूप एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये जो हमने पॉइंट पी लिया है, आप ध्यान से देखिए, टेक पॉइंट पी, ठीक है। डिस्टेंस कितना ले सकते हैं, कुछ भी डिस्टेंस आप देख सकते हो, इसको वो ले लो। सपोज द डिस्टेंस बी एक्स फ्रॉम एट पॉइंट पी, ओके। यहाँ से मैंने जो पॉइंट पी लिया है, जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, उसकी उसकी सेंटर ओ से डिस्टेंस कितना है, एक्स है। मैं आपको लिखते जाइए, आप जो जो बोलते जा रहे हो उसको लिखते जाइए, आराम से लिखते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखते जाइए और उसको समझते भी जाइए। कहाँ जा रहा है, पीछे, ओके। लेट एक्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ये बायो सेवर्ट के लॉ पर, बायो सेवर्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कंसीडर लाइन सेगमेंट, यहां पर मैंने एक लाइन सेगमेंट रख लिया, ये लाइन सेगमेंट मैंने रख लिया। कंसीडर लाइन सेगमेंट टॉप ऑफ द रिंग्स,
डी है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। ए बी इज द लाइन सेगमेंट टॉप ऑफ द सर्कुलर लूप, ओके, एंड डिसजॉइंट ऑफ द पॉइंट बी, ओके। टेक अ लाइन सेगमेंट टॉप ऑफ द सर्कुलर लूप ए बी, है ना डियर। अब इसका डिस्टेंस आप कुछ भी रख सकते हो, इसको ए ले ले सकते हैं आप, ये होगा नो। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर जो होगा पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो मैंने ए इसको माना था ए इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ओके। एनी डाउट पीछे लिख लिए, अच्छे से देख लीजिए। अब मैंने क्या किया है, एक सर्कुलर लूप लिया है, कंसीडर सर्कुलर लूप और कॉइल और रेडियस कितनी लिया है मैंने, इसी कैपिटल आर लिया है, एंड द सेंटर कितनी सी ओ है, द प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द पेपर हो गया, एंड इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोज थ्रू द लूप, है ना, एंड पी एट ए पॉइंट एज अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सेस, ओके, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लूप एंड परपेंडिकुलर टू द पेपर। कंसिडर स्मॉल सेगमेंट ए बी, लेंथ कितनी हो गई डी एल, स्मॉल सेगमेंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल, ओके, देन द डिस्टेंस ऑफ दिस, देन द डिस्टेंस ऑफ दिस, इसको मैंने एक काम करता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए इसको हमको ए ही ले लेते हैं और इसको पॉइंट को देते हैं बी, ओके, तब आपको पता चल जाएगा, इसमें लिख सकते हो ओ ए, ओ ए इक्वल टू कैपिटल आर, ओके, एंड ओ पी इक्वल टू एक्स, देन ए पी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना, हो सके तो वीडियो को पॉज कर करके देखना, क्योंकि आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वीडियो। देखिए डेरिवेशन हर कोई कर लेता है, रट के भी कर लेता है, लेकिन उस चीज़ों को बारीकी से जब आप समझेंगे तब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में आपको एक एक क्वेश्चन का, एक एक पॉइंट का सीरियसली आप उसका आंसर दे सकते हैं। अभी मैंने ये लाइन सेगमेंट जो लिया है, ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये पॉइंट पी है जहाँ पर हमको इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ओके। अब ये यहाँ पर जो होगा इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्वाइल है, ये जो क्वाइल है यहाँ से यहाँ पर, तो जब हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल मैंने बताया था, यदि हम अपने राइट हैंड पर सप्लाएंगे तो हमको क्या क्या डायरेक्शन था लिख रहे हैं, लिखवा देता हूँ, लिखे चलिए, राइट हैंड थंब रूल, व्हाट इज राइट हैंड थंब, इफ स्ट्रेच द पाम ऑफ आवर राइट हैंड सच दैट द थंब फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब तीनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, इफ द थंब पॉइंट्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड द फिगर टुवर्ड द पॉइंट पी, पी का मतलब होता है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, and which direction of magnetic field, so the determine that perpendicular down on the palm gives the direction of magnetic field at the direction, ठीक है, लिख लिए, लिखवा दिया मैंने, जल्दी लिख लीजिए, शॉर्टकट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखना है, तो कहने का मतलब होता है ये हो जाएगा, या उठा आपका क्या डायरेक्शन शो करता है, करंट का डायरेक्शन करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये इसके परपेंडिकुलर जो होगा ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बताया मैंने, यदि हम अपने राइट हैंड, इंग्लिश मीडियम लिखा दें, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे उधर, यदि हम मैंने राइट हैंड को ऐसे फैलाया तो ये जो अंगूठा जो है, ये अंगूठा जो है ये करंट का डायरेक्शन शो करता है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसा परपेंडिकुलर, ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है, ओके, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये निकल गया हमको डीबी, ओके, ये हमको निकल गया, क्योंकि देखिए ये अब देखेंगे यहाँ पर हम बायोसर्ट निकालेंगे,
इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस जो लाइन सेगमेंट में करंट एलिमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के कारण इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ पर निकालना है, एट पॉइंट पी पर। तो यहाँ लिखते हैं, चलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू एलिमेंट है ना, तो इसका निकलता है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस। आपने ये डिस्टेंस लिया, इसको मैंने कर दिया ए स्क्वायर। ओके, अब ए की वैल्यू कितनी है, मैंने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखा है, तो इसको रख देते हैं रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, कोई डाउट? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान से समझना है, कई लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं डायरेक्शन को। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है, सॉरी लाइन सेगमेंट जो मैंने लिया है, इसका डायरेक्शन तो ऐसे हो जाएगा और ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लाइन सेगमेंट हमको लेना है, अब फिर उसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेटर्स का लेना है। इंटीग्रेट करने के बाद हमको उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये जो कि पाइथागोरस थ्योरम से मैंने, ये परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, तो ये हो गया हाइपोटेनस डिस्टेंस हो गया। तो ये जो लाइन सेगमेंट टॉप ऑफ सर्कुलर लूप में लिए हैं, तो इसके कारण ड्यू टू लाइन सेगमेंट डीएल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फ्रॉम बायो स्वेटला डी बी इक्वल टू म्यू नॉट फोर पाई आई इनटू डीएल साइन थीटा एंड आर स्क्वायर। अब थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, पहले इसकी पुट कर देंगे अब स्क्वायर रूट से हट जाएगा, तो डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई इंटू डी एल और साइन 90 डिग्री अपॉन रूट हट जाएगा, आपको क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, तो साइन 90 कितनी होती है 1 हो गया, तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एल। वेरी डाउट, देख लीजिए अच्छे से, और 30 सेकंड का समय देख रहे हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, कोई डाउट नहीं, टेक अनदर लाइन सेगमेंट डी एल एस, एक दूसरा लाइन सेगमेंट लेते हैं बॉटम ऑफ द सर्कुलर लिप ज्वाइंट, इसको कोई एंगल सपोज कर लेते हैं फाइ। ओके, ज्वाइंट टू पी, सेम डिस्टेंस होगा, रेडियस सेम डी आर एंड दिस आर हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ए होगा, ये भी एडेस भी ले सकते हैं, जो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस इसकी सेम है क्योंकि बेस इक्वल है, बेस तो सेम है, दोनों की कॉमन बेस है, और इनकी रेडियस कितनी आर है, तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी। अब जो है, जब मैंने इस पर परपेंडिकुलर आया, तो इस पर परपेंडिकुलर कितना निकलेगा, ऐसा निकल जाएगा। हो गया डी बी डैश, कोई डाउट, ये जो है इस पर परपेंडिकुलर है ये, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब वंस अगेन
पी ड्यू टू रियल डैश, तो डी बी डैश इक्वल टू न्यू जीरो बाई फोर पाई आई अपॉन सेम आएगा उसको निकालते हैं डी एल डैश साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके साइन 90 की कितनी होती है 1 होती है, तो डी बी डैश इक्वल टू न्यू जीरो बाय फोर पाई आई बाय डी एल डैश और जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड आउट तो डी एल डैश इक्वल टू डी एल दोनों इक्वल होंगे डी एल इक्वल टू डी एल डैश देन डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा डी बी डैश दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है। देन इन दिस कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ एलिमेंट्स टॉप एंड डाउन बॉटम दी इक्वल। ओके एनी डाउट्स ध्यान से देख लीजिए। DB and DB dash can be resolved into two sine and cosine component. अब हम क्या करेंगे ये जो DB है और DB dash है उसको हम resolve करेंगे two components में, एक होगा sine एक होगा cosine, है ना। DB dash divided into two components, कौन से components होंगे, एक होंगे sine and other component में cosine। अब आपको एक चीज़ क्या ये हो गया phi, तो इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर हो गया दूसरा पैरेलल हो गया। तो मैंने पहली भी क्लास 10 में बताया था इसके जब कंपोनेंट्स होंगे एंगल के साइड वाले ये क्या होंगे कॉस फाई, ये क्या होंगे कॉस फाई डी बी कॉस फाई। ओके एंड अनदर कंपोनेंट्स और अल्सो डी बी डैश कॉस फाई। ठीक और अपोजिट साइन वाले होते हैं इसके अपोजिट फेस वाले डी बी साइन फाई एंड हियर दैट डी बी साइन फाई। एनी डाउट देख लीजिए। ओके द कोसाइन कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट ऑन द कैंसल टू ईच अदर बट द कंपोनेंट्स बीइंग इन द सेम डायरेक्शन आर एडेड अप टू गिव द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। लिख लीजिए चलिए द कोसाइन कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट द कोसाइन कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट सो दे कैंसल टू ईच अदर बट साइन कंपोनेंट बीइंग इन द सेम डायरेक्शन we are added up to be the magnetic field at B. Put out. अब देख सकते हो आप जो ये कंपोनेंट में डिवाइड किया है परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट देन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट डी बी कॉस फाई आर इक्वल एंड इच अदर इक्वल टू इच अदर बट अपोजिट इन साइन। ठीक है एंड डी बी साइन फाई ऑन द सेम डायरेक्शन ठीक DB sin phi in the same direction they will be added. Then the intensity of magnetic field at P be DB sin phi. Okay? Any doubt? Bit samajh lijiye. The direction of DB is the perpendicular to the plane of current element and the observation point. Okay, the magnetic field at P due to different elements will be different direction. The magnetic field at the point P due to different elements will be different direction. So each DB can be resolved into two components: DB sin phi and parallel to OP, and DB cos phi perpendicular to OP.
इट इज क्लियर दैट ऑल द कंपोनेंट्स, मैंने क्या बोला, इट इज क्लियर दैट ऑल द कंपोनेंट्स पैरेलल टू ओपी गेट एडेड टू विच दोस परपेंडिकुलर टू ओपी कैंसल, सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू द होल ऑफ द करंट लूप इज द गिवन बाय द फार्मूला। तो मैंने बताया था जो सर्कुलर लूप्स होते हैं ये, तो इसमें डायरेक्शन कैसा होगा, इस टाइप का करंट निकलता है। ये जो बहुत सारे आप लेंगे तो ये जो ये यहाँ पर मैंने लिया, मान लो ऐसा एक रिंग लिया, तो एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान लो ये सब रिंग है, जब इसमें मैंने लाइन सेगमेंट लिया तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा। तो कहने का मतलब होता है जो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और जो पैरेलल कंपोनेंट्स होंगे ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सर्कुलर लूप है, जैसे सर्कुलर लूप यहाँ यहाँ सारे बनेंगे और सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल कंडक्ट करेंगे, 90 डिग्री। तो अपने को निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डी। ओके, तो ये निकाल दिया मैंने, बी इक्वल टू डी बी की वैल्यू कितना निकाला मैंने, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइन पाई। एनी डाउट, रियल रियल मैंने भूल गया था रियल। अब एक चीज ध्यान देखिए, साइन फाई ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये रेडियस ऑफ द सर्कल, और हाइपोटेनस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड करंट एलिमेंट। ओके, तो साइन फाई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आर बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पुटिंग करेंगे वैल्यू, हाँ, बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई ओके आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये साइन फाई को मैंने सबको इंटीग्रेट से बाहर निकाल दिया है और इसकी वैल्यू पुट कर दिया है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एल। ठीक है, कोई भी सर्कुलर लूप होगा, बहुत सारे एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ से मिलके क्या बनाएंगे, एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वोज रेडियस भी आर। वाट इज, बहुत सारे क्या होंगे एलिमेंट्स मिलते हैं और एक बनाते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, तो वहाँ पर हम लिख देंगे, कितना लिखेंगे, वाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, 2 पाई आर। आई एक चीज और है, बेसिक को रहता है एक्सपर्ट ऐड हो जाते हैं, तो इसका 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 पावर कितना है, 1, और इसका पावर 1/2। तो टोटल बायोलॉजी वाले ध्यान देंगे, थोड़ा सा बायोलॉजी वालों का मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमजोर होता है। मैंने एक नियम आप लोग बचपन समझे होंगे, x^1 x^1/2 तो x^1 + 1/2, तो टोटल मिला के कितना हो जाता है, 3/2। बस वही लॉज अपने को लगाना है, एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 3/2, तो टोटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 3/2। आ जाएगा 2 पाई आर। ओके, एनी डाउट, अच्छे से देख लीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए। अब इसको जो कटता है हम उसको कैंसिल कर देंगे, इसे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 1 पाई 1 पाई ये कट गया 2 से, तो क्या बचा, म्यू जीरो आई आर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। देख लीजिए एक बार अच्छे से,
अब देखो, इफ 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 ऑल द कंसिस्ट ऑफ एंड टर्म्स, मैंने क्या बोला, इफ ऑल द कंसिस्ट ऑफ एंड टर्म्स देन इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो एन आई आर अपॉन टू ओके ये हमारा निकल गया इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ओके शुरू से बता देता हूँ सबसे पहले हम क्या किए एक सर्कुलर लूप वायर लिए करंट कैरिंग कंडक्टर लिए अब उसे सबसे पहले टॉप उसे हमको क्या करना है इसे सेंटर वो है यहाँ से एक्सेस पे एक पॉइंट पी लेना है जहाँ को इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले हम टॉप पे एक लाइन सेगमेंट लिए जिसकी वैल्यू कितनी है डी एल हो गई उसके कारण इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड निकाले आई टू डी एल साइन थीटा ओके अब ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाना जो इसके परपेंडिकुलर हो इसका डायरेक्शन हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ए पी ओके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज परपेंडिकुलर टू ए पी ये ऐसा हो गया सो पीछे बताता हूँ ये ऐसा हो जाएगा ओके तो अब यदि आप ऐसा करके देखोगे मान लो ऐसा है ये मैं बता दे रहा हूँ ये इस टाइप का होगा तो करंट का डायरेक्शन ये आपका लाइन सेगमेंट है लाइन सेगमेंट का कहने का उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा ऊपर की हो जाएगा ओके यही कंडीशन है ये जो आपका लाइन सेगमेंट लिए हैं इससे कारण मैग्नेटिक फील्ड से क्या जा रहा है ऊपर की हो जा रहा है और ये इसके परपेंडिकुलर होगा वैसे ही दूसरा हम लाइन सेगमेंट कौन सा लिए हैं ये इससे कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा नीचे जाएगा इसके परपेंडिकुलर क्योंकि लाइन सेगमेंट ये राइट हैंड थर्म रूल में बताया था यदि करंट का डायरेक्शन ये करंट का डायरेक्शन होगा करंट का डायरेक्शन मैंने पहले बताया था उसको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि सर्कुलर लूप में कैसे करंट का डायरेक्शन होता है कैसे पॉइंट होता है तो करंट का डायरेक्शन इसमें भी क्या हो जाएगा इधर साइड चला जाएगा ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा तो डी बी एंड डी बी डैश ये क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसकी रेडियस कितनी है आर है इसका डिस्टेंस कितना ऑब्जर्वेशन पॉइंट का एक्स है तो बायोसवर्ट लियर से मैं निकाला इसको डिस्टेंस कितनी निकाली इसकी यहाँ से आता है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के मैं निकाला उसके बाद एक दूसरा लाइन सेगमेंट लिया बॉटम ऑफ द सर्कुलर लूप इसके भी इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकाली इतनी निकाली तो डी एल एंड डी एल डैश आर इक्वल टू इच अदर देन द मैग्नेटिक फील्ड बॉथ द लाइन सेगमेंट बार इक्वल ओके अब हम क्या किए ऐसे बहुत सारे लाइन सेगमेंट लिए जिसको हमको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ये तो कहने का मतलब इसको दो कंपोनेंट हम डिवाइड किए हैं क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हो गया है पैरेलल कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कैंसल टू इच अदर होगा बिकॉज दे आर अपोजिट साइन एंड अपोजिट डायरेक्शन एंड अपोजिट साइन ओके कैंसल टू इच अदर बट ये जो कंपोनेंट होगा ये ऐड हो जाएंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू होल सेगमेंट लिखा निकाले सेंटीग्रेड के अब ये जो साइन ये जो एंगल निकल के आ रहा है ये साइन फाइव का कितना जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस की वैल्यू को पुट कर दिए पुट करने के बाद ये फॉल द कंसिस्ट ऑफ एन टर्म्स को क्या हुआ नंबर ऑफ टर्म्स में ये हमको निकाल दिए पी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई आर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये निकल गया सिंपल सी बात थी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना है बाकी डेरिवेशन उतना लंबा नहीं है मेन चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर ही करना है कि डायरेक्शन कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी तो ये सब चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो अगले टॉपिक में लेंस का नियम हो गया और भी जो भी नियम होगा उसको हम देखेंगे तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने जो क्लासमेट हैं स्टूडेंट्स हैं उनको भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू।